हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपके एक बार फिर से हमारे उत्कट नर्सिंग के लाइव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी रहेगी एनाटॉमी पे, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लासेस के अंदर टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने नर्वस टिश्यू के बारे में सब पढ़ लिया था। एंड आज हमारा टॉपिक होगा एपिथीलियम टिश्यू। इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड आपकी वजह से, आपके पेरेंट सपोर्ट की वजह से हमने इतनी जल्दी काफ़ी कुछ हमारे चैनल्स पर हमने सब्सक्राइबर गेन किए हैं, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। सो इसी तरह आपका प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखे फ्रेंड्स, ठीक है। सो आपके OBG क्लासेज चल रही हैं, ठीक है ना। एंड OBG के अंदर सर ने क्लासेज आपको दो क्लासेज हो चुकी है आपकी, एंड फंडामेंटल क्लासेज चल रही हैं एंड एनाटॉमी एंड पीडियाट्रिक की क्लासेज अब कंटिन्यू कर लेंगे। सो आज की क्लास अपनी रहने वाली है एपिथीलियम टिश्यू के बारे में। सो एपिथीलियम टिश्यू, इसके बारे में पढ़ने से पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टिश्यू क्या होते हैं, है ना। टिश्यू के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाती है, हमारे टिश्यू बनाती हैं, जिसके अंदर हमने 4 टाइप के टिश्यू पढ़े थे, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथीलियम टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, जिसके अंदर से हमने नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया था। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। उसके अंदर में दो तरीके से पढ़ा था हमने न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया के बारे में, ठीक है। वो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, वहाँ से काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एंड जो आज का चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे MSc एंट्रेंस एग्जाम हो, दिल्ली एम्स के एग्जाम हो, ये ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो टिश्यू वाला चैप्टर आप किसी भी चैनल पर सर्च मार लेना, यूट्यूब के नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी चैनल पर सर्च मार लेना, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा जो सब चीज़ें पढ़ाते हों। वो डायरेक्ट सिस्टम से शुरू कर देते हैं या फिर एनाटॉमी करवाते ही नहीं है। तो लेकिन हम यहाँ पे आपके बेसिस से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज की क्लास शुरू करते हैं एपिथीलियम टिश्यू से, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले इस वर्ड को हम डिकोड करते हैं, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इसको हम दो तरीके से रिटर्न करें, एपी, ठीक है। दूसरा आता है आपका थीलियम, जिस वर्ड के अंत में, जिस वर्ड के लास्ट में उम और उस लग जाए, वो वर्ड लैटिन वर्ड होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। सो एपी का मतलब होता है अपोन या फिर अबो, ठीक है। देन थीलियम का मतलब होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे जगह पे जहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर पाए जाने वाले टिश्यू को हम कहते हैं एपिथीलियम टिश्यू। इन एपिथीलियम टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि फंक्शन के बेसिस पे हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि काफ़ी इजी चैप्टर बना देंगे इसको एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो इसके अंदर फंक्शन क्या क्या होता है एपिथीलियम टिश्यू के, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन के अंदर ये हमारी प्रोटेक्शन का काम करते हैं एपिथीलियम टिश्यू, जो हमारी बॉडी की कवरिंग होती है, आउटर सरफेस होती है, वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल के लिए कहेंगे हम स्किन, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रोटेक्शन अंडरलाइन स्ट्रक्चर, जो एग्जाम्पल के लिए हमारे स्किन्स के नीचे जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। इन्हीं के बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो ये फंक्शन आप उस टाइम बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। देन सेकेंड फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, मतलब कि सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ आउटर सरफेस, इसको आप ऐसा मत लिखिए, इसको आप ऐसे तरीके से लिखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग सरफेस ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं हम स्किन, ठीक है। दूसरा आता है हमारा सीक्रेशन का फंक्शन करते हैं। तीसरा आता है सेलेक्टिव बैरियर, बैरियर जैसे भी एक्ट करते हैं, ठीक है। देन फोर्थ आता है इसके अंदर हम एब्जॉर्प्शन का फंक्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर चार टाइप से हम इसका फंक्शन स्टडी करते हैं, ठीक है।
फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि प्रोटेक्शन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर जो भी इसके जैसे स्किन के नीचे हमारे क्या प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड वेसल्स आ जाती है, मसल्स आ जाती है, तो उनको डायरेक्ट जैसे मान लो केमिकल या मैकेनिकल इंजुरीज होने से बचाती है, ठीक है। जैसे यूवी रेज आ रही है तो हमारी स्किन है वो प्रोटेक्शन का काम करने का काम करती है वहाँ पे, फॉर एग्जांपल के लिए। फिर स्क्रीन सिक्रेशन, हमारी बॉडी के अंदर होने वाली सिक्रेशन, जहाँ भी हमारे ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ सिक्रेशन प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे एपिथीलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब इसको हम अगर क्लासिफिकेशन से समझेंगे तो काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा कि ये सब होता क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इसके अंदर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसके अंदर हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर हम, जैसे कि क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हम अकॉर्डिंग टू शेप एंड अकॉर्डिंग टू लेयर, ठीक है। ये दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप का मतलब कि यहाँ साइज की बात हो रही होगी, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर हमारा स्क्यूमियस एपिथीलियम, देन सेकंड आता है स्क्यूमियस, इसके बाद आता है आपका क्यूबोइडल एपिथीलियम, देन थर्ड आता है इसके अंदर कोलुमनार एपिथीलियम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शेप मतलब कि ये शेप है, इनके अंदर हम शेप अभी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे स्क्यूमियस का मतलब होता है जब कोई चीज़ फ्लैट होती है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, जैसे कि जैसे पत्थर एकदम जैसे चपटी चीज़ें होती है ना, उसको हम कहते हैं स्क्यूमियस। एंड क्यूबोइडल का मतलब कि जिनके अंदर जैसे आइस क्यूब का नाम सुना होगा आपने, जैसे आइस क्यूब बनाते हैं हम, ये इसको हम कहेंगे ये सब, ठीक है, इस तरीके से ये इसको हम क्या कहेंगे क्यूबोइडल, आइस क्यूब जैसे, ठीक है। देन आता है कोलुमनार, ये रेक्टेंगुलर शेप के जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलुमनार, इस तरीके से, ठीक है। और स्क्यूमियस जैसे कि ये हम ये इस जैसे फ्लैट स्ट्रक्चर है, ये हो गया आपका स्क्यूमियस एपिथीलियम, ऐसा फ्लैट एंड, एंड ये होते हैं जैसे कि कोई आइस क्यूब की स्ट्रक्चर होती है उस तरीके से, एंड जैसे कोलुमनार या रेक्टेंगल, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे भी। एंड अकॉर्डिंग टू लेयर की बात करें तो लेयर हमारे बॉडी के अंदर या तो सिंगल हो सकती है या मल्टी लेयर हो सकती है। सिंगल को हम कहते हैं सिंपल एपिथीलियम, सिंपल एपिथीलियम, एंड देन सेकेंड आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। सिंपल मतलब कि सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है यहां पे, सिंगल लेयर, जैसे ये एक सिंगल लेयर है, ठीक है। एंड स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि जिसके अंदर बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड, जहां पे मल्टी लेयर हो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एपिथीलियम का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं यूनिलैमिनार, यूनिलैमिनार। अब एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि अकॉर्डिंग टू लेयर, आपको ऑप्शन में बहुत सारे देगा अकॉर्डिंग टू लेयर, आपको सिंपल ना देगा यूनिलैमिनार दे दे, और इसको हम कहते हैं मल्टीलैमिनार, मतलब कि जिसके अंदर बहुत सारी, यूनी का मतलब होता है सिंगल लेयर एंड मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी लेयर्स मिलकर के क्या बनाती हैं आपके एपिथीलियम टिश्यू बनाती है। तो इसी क्लासिफिकेशन को हम कंबाइन करके स्टडी करते हैं एपिथीलियम टिश्यू के बारे के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम इस बेसिस पे इनको इनके अंदर इंक्लूड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं कहूँगा सिंपल स्क्यूमियस एपिथीलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथीलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथीलियम, ओके। सबसे पहले शुरू करते हैं हम सिंपल स्क्यूमियस एपिथीलियम। फर्स्ट डिस्कस करते हैं सिंपल एपिथीलियम के बारे में।
सिंपल एपिथीलियम, ठीक है। सिंपल एपिथीलियम मतलब यहाँ पे क्या होगी, सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, सिंगल लेयर, आल्सो कॉल्ड एज यूनिलेमिनार एपिथीलियम, यूनिलेमिनार एपिथीलियम, ठीक है, सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी यहाँ पे। दूसरा आता है इसके अंदर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ये एपिथीलियम प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। देन इसके बाद आता है सिंगल लेयर होती है प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या क्या है, इसके फंक्शन होते हैं सिक्रेशन का एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है इनका, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करते हैं। इसके अंदर जो देखा जाता है सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस देखी जाती है। अब दो वर्ड होते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जहाँ से फ्लूड एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वन साइड से एक दूसरी साइड के अंदर सरफेस का फ्लूड्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए डिफ्यूजन का मतलब होता है अगर फ्लूड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अगर फ्लूड लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करता है तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिफ्यूजन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो हमने इसके बारे में तीन इसका कैरेक्टर देखें, सिंगल लेयर होती है, सिंपल एपिथीलियम का मतलब हमने बोला था इसको यूनिलेमिनार कहते हैं, सिंगल लेयर होती है, प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं जैसे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, और जैसे ये सिंगल लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस टाइप के जो एपिथीलियम प्रेजेंट होते हैं इनको हम कहते हैं सिंपल एपिथीलियम, ठीक है। सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है एंड ये जो डायग्राम बनाया हमने सिंपल स्क्यूमियस एपिथीलियम का है, ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होना। प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन ये कंप्लीट करते हैं। इसी के बेसिस पे इनको हम डिवाइड करते हैं तीन तरीके से जो हमने कहा था कि हम इसको कंबाइंड में पढ़ेंगे। तो सब पहला आता है अपना सिंपल स्क्यूमियस एपिथीलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथीलियम एंड थर्ड आता है सिंपल कोल्यूमनार एपिथीलियम, ठीक है। अब इसके अंदर सेपरेट डिस्कस करते हैं इसके बारे में, सिंपल स्क्यूमियस एपिथीलियम क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप मोस्ट ऑफ ध्यान रखना इन तीनों का फंक्शन एक ही है, सिक्रेशन का एंड अब्जॉर्प्शन का, ओके, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के अंदर फंक्शन डिस्कस किए थे सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन में। सिक्रेशन अब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ ऐसे ही एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, यहाँ पर सिक्रेशन अब्जॉर्प्शन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है सिंपल स्क्यूमियस एपिथीलियम, सिंपल स्क्यूमियस एपिथीलियम। सिंपल स्क्यूमियस एपिथीलियम मतलब कि सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, अन्य कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जो इसके क्लासिफिकेशन से बनते हैं, जितना अब तक मैंने बताया वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्लासिफिकेशन से बनते हैं। एग्जाम में पूछता है फॉर एग्जाम्पल के लिए जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे कौन सी एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, ऑप्शन दे देगा आपको जैसे जिसके से हमने क्लासिफिकेशन किया है और हमें बताना होगा कि कौन सा टाइप के एपिथीलियम प्रेजेंट होती है। तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, देखते हैं अभी। सिंपल स्क्यूमियस एपिथीलियम मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए सिंगल लेयर जहां से सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा किसी हम चुनरी से अगर हम पानी वगैरह छानते हैं तो वहाँ से ईजिली निकल जाता है। उसी तरीके से यह हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी कैविटी होती है वहाँ की लाइनिंग में भी ऐसी एपिथीलियम प्रेजेंट होती है जहाँ से सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का फंक्शन कंप्लीट होता है। देखते हैं फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हार्ट होता है अपना, हार्ट जिसके अंदर हमारी एंडोकार्डियम प्रेजेंट होती है वहाँ पे जो एपिथीलियम प्रेजेंट होती है उसको कौन से एपिथीलियम कहते हैं, सिंपल स्क्यूमियस एपिथीलियम। एग्जाम्पल के लिए
हार्ट में कौन से एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, एंडोकार्डियम की बात कर रहा हूँ। एंडोकार्डियम होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, जिसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। इस तरीके से तीन लेयर प्रेजेंट होती है। तो एंडोकार्डियम है जो हार्ट की इनर लेयर होती है, वहाँ पे जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है वो कहलाती है आपकी सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियम। फिर एग्जाम्पल के लिए आता है आपका ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स होती है एंड एल्वेलर ऑफ द लंग्स। लिख लेते हैं ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड एल्वोलाई ऑफ लंग्स। इनकी जो इनर स्ट्रक्चर होती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कोई अपनी ब्लड वेसल्स की बात करूँ मैं, ये ब्लड वेसल्स है, इसकी तीन लेयर प्रेजेंट होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटेशिया। ठीक है, इसकी जो इनर लेयर होती है उसे कहते हैं हम ट्यूनिका इंटीमा, जो कि किसकी मिलकर बनी होती है, एंडोथीलियम की, एंडोथीलियम की बनी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है सिंपल स्क्यूमियस एपिथीलियम। इसी तरीके से यहाँ पर जो इन तीनों लेयर के अंदर एंडोथीलियम होती है, जो इनर लेयर होती है जिसके अंदर कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, सिंपल स्क्यूबियस एपिथेलियम। ओके गाइस, देन इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका 3, 4, 5 पे। देन इसके बाद में आता है जो हमारी किडनी होती है, रीनल होती है, रीनल सिस्टम होता है, वहाँ पे आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, जिनको हम नेफ्रॉन्स के अंदर हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, जैसे कि ये आपकी, मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं फॉर एग्जांपल के लिए, ये इसको हम कहते हैं, ये वाला पार्ट होता है आपका रीनल कॉर्पसल, इसको कहते हैं रीनल ट्यूबुल्स। इसके अंदर ये आता है आपका पीसीटी, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनली। ठीक है, इसको तो कहते हैं पीसीटी, इसको कहते हैं लूप ऑफ हैनली। देन इसके बाद में आता है आपका, यहाँ तक ये लूप ऑफ हैनली होता है, इसके बाद आता है आपका डीसीटी, डिसर्टिंग कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। देन ऐसे फिर यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है, सोडियम एंड पोटेश, सोडियम का अब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम गैस क्रिएशन होता है, एंड जो हमारा यूरिन होता है वो वहाँ से एक्सक्रेट आउट होता है। तो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पे जो फंक्शन है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है। तो सिक्रेशन किसका होगा यहाँ से, पोटेशियम का, एंड एब्जॉर्प्शन किसका होगा यहाँ पे, सोडियम का। तो यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, अपनी कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियम। ठीक है, देन आपका जो बोमन कैप्सूल होता है, यहाँ पे भी आपकी सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ से आपका फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो इस साइड से आपकी ब्लड वेसल्स आती हैं, जिनको हम अफ्रेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल होती है, यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन कम्प्लीट होती है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में। इसके बाद में यहाँ से इसको ब्लड को, यहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ से आगे चला जाता है। ओके गाइस, तो हमने स्टडी की है सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियम, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है, लिम्फ वेसल्स में, एल्वियोलाई ऑफ द लंग एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यही है, यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का फंक्शन कंप्लीट होता है। सपन ने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया है सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियम। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। देन इसके बाद आता है अपना सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, एंड सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियम का डायग्राम वही है जो हमने बनाया था, इस तरीके से करके प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियम। इस तरीके से ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो दिख रही है आपको सिंगल लेयर है, इसको हम कहते हैं सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियम। ये फ्लैटेंड होती है, इसके कैरेक्टर की बात करें तो ये फ्लैटेंड होती है, देन ठीक है, फ्लैटेंड का मतलब होता है चपटा, और ये इतनी थिन लेयर होती है, थिन मैंने पहले कहा था कि जहाँ से इजीली कोई भी चीज़ आसानी से मूव आउट कर सकती है। सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का फंक्शन वही होता है जहाँ पे थिन लेयर प्रेजेंट होती है, फ्लैटेंड होती है एंड थिन होती है, दो कैरेक्टर इसके अंदर ऐड कर देना आप। ओके, फिर आता है अपना सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम।
सिंपल क्यूबॉइडल। अच्छा, इस चीज़ से ध्यान रखना आप, देखो हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। क्यूबॉइडल का मतलब होता है जो क्यूब शेप होती है, जैसे आपने आइस के छोटे छोटे पीस देखे होंगे, आइस क्यूब, ठीक है। उसी तरीके से जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एपिथेलियम प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस तरीके से हमारी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ओके। देन फॉर एग्जांपल के लिए ये इस तरीके से आपकी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियम। इस तरीके से मतलब कि आइस क्यूब की तरह, ये आइस क्यूब इस तरीके से, ये सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इसके कैरेक्टर क्या होंगे, इसकी शेप कैसी होती है, क्यूब शेप होती है, प्रेजेंट कहाँ होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होती है, सिंगल लेयर होती है, सेम कैरेक्टर, बस शेप बदल जाएगी, शेप कौन सी होती है इसकी, क्यूब शेप की होती है एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन इसके अंदर सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये तीन कैरेक्टर हैं जो हमने लास्ट में डिस्कस किया, बस शेप बदल जाएगी यहाँ पे आके क्यूब शेप होती है। अब क्यूब को आप एक तरीके से याद रख सकते हैं, क्यूब एंड ट्यूब सिमिलर लगता है हमें, क्यूब एंड ट्यूब। तो हमारी जो रीनल ट्यूबुल्स होती है, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो इस तरीके से आपका इससे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल, एंड नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रीनल ट्यूबुल्स। जब रीनल सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो रीनल ट्यूबुल्स के अंदर क्या क्या आता है, आपका PCT, लूप ऑफ हैनले, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जहाँ पे फंक्शन क्या क्या है, सिक्रेशन का, एब्जॉर्प्शन का, एक्सक्रेशन का। सिक्रेशन मतलब कि PCT के अंदर आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन होता है, बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन होता है, जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं मोस्ट ऑफ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर लिए जाते हैं, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे किडनी के अंदर एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होगा हमारा, यूरिन एक्सक्रेट आउट किया जाता है। तो आपके रीनल के अंदर कौन सी स्क्यूमियस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप राइट आंसर होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है गाइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के अंदर, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्यूब शेप होती है, क्यूब को थोड़ा सा आप लिंक कर देना ट्यूब से, तो आपका राइट आंसर होगा रीनल ट्यूबुल्स में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। द नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, इस कोलुमनार का मतलब कि रेक्टेंगुलर शेप होती है, शेप की बात करें रेक्टेंगुलर होती है, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तीनों कैरेक्टर सेम होंगे। तो शेप देख लेते हैं, बाकी आप लिख लेना, शेप होती है उसकी रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप प्रेजेंट होती है। देन इसके बाद के अंदर यहाँ पे सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है गाइस। और इसके बाद में भी प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती है, इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन करने से पहले ये हमारी जो इसोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये हमारी प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल देखें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, डिस्टल 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस, ठीक है, फिर डिस्टल 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस। इसके बाद में आता है आपका स्टोमक के अंदर, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जितने भी हमारे जो इनर लाइनिंग, जहाँ पे कैविटी प्रेजेंट होती है बॉडी की, आप फिर से सुनना, जहाँ पे भी बॉडी की कैविटी प्रेजेंट होती है वहाँ पे हमारी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं सिंपल, इसको जो हमारी प्रेजेंट सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। कैविटी का मतलब कि इनर लाइनिंग कौन सी होगी आपकी, म्यूकोजा। म्यूकोजा में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है आपकी, सिंपल एपिथेलियम। टाइप हम पढ़ रहे हैं, सिंपल का मतलब होता है जहाँ पे सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है, जो कि सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन का काम करती है। हमने डिस्कस किया डिस्टल 1/3 पार्ट में इसोफेगस पे प्रेजेंट होती है। देन इसके बाद में आ जाता है हमारा इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, लाइनिंग
ऑफ स्टमक, देन इसके बाद क्या आता है, लाइनिंग ऑफ स्टमक के बाद में आता हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या रोल होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, किसके लिए, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन के लिए। तो वहाँ पे कौन से एपिथीलियम प्रेजेंट होती है डियर, हमारी एपिथीलियम प्रेजेंट होती है सिंपल स्क्यूमस एपिथीलियम। इस एपिथीलियम को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है, सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर, सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया सिंपल कोलोनियर एपिथीलियम के एग्जाम्पल ये ही है, डिस्टल वन थर्ड पार्ट ऑफ ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बाद के अंदर हमारी जो सीलिया प्रेजेंट होती है, कहीं पे सीलिया एब्सेंट होती है। इसी बेसिस पे अगर इसको हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो जो हमारी एपिथीलियम होती है ये दो तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आता है सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड। इसका एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल होता है अपना, गॉल ब्लैडर के अंदर आपकी कौन से एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, तो वो होती है हमारी नॉन सीलिएटेड सिंपल कोलुमनर एपिथीलियम। नॉन सीलिएटेड एग्जाम में बहुत लंबा लिखा आता है, इसको कंबाइंड करेंगे तो नॉन सीलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथीलियम, ठीक है, कौन सी, गॉल ब्लैडर में, जहां से बाइल का सिक्रेशन होता है, हमारे जहां से बाइल कलेक्ट होता है उसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। वहां से आपका सिंपल जिसकी लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, उसको कहते हैं सिंपल कोलुम, नॉन सीलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथीलियम। सीलिया का मतलब होता है जो सीलिया ऐसे फाइबर से प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे म्यूकस को, या फिर और भी जो चीज़ें अभी एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करवाती हैं सीलिया। फॉर एग्जांपल के लिए देखें हम, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर कौन से एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, सीलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथीलियम, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर इसमें भी एग्जाम्पल हो तो थोरैक, आपके थोरेट के अंदर सीलिएटेड सेल्स, सीलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे गोब्लेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रेशन का काम करती हैं, एंड म्यूकस सिक्रेशन होता है तो उसको हमारे को एस्पल आउट करने के लिए हमारे जो वर्क करती है वो सीलिया करती है, क्योंकि उसको ऊपर धकेलने का जो काम करती है हमारी सीलिया करती है, ठीक है। फिर आता है हमारा यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब। आपको ओबीजी में परमाल सर ने जब आपको यूट्रस के बारे में पढ़ा रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब सर ने बोला था कि यूट्रस के अंदर कौन से एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर जाता है सिंपल सीलिएटेड कोलुमनार एपिथीलियम। तो यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, या फिर कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। देन इसके बाद ये अंदर आता है यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, एंड एक और आता है इसका एग्जांपल है अच्छा सा, जिसको हम कहते हैं स्टीशियन ट्यूब, ठीक है गाइस, स्टीशियन। जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होती है, जो कि हमारे नेजोफेरिंग्स के अंदर जिसकी आके ओपनिंग होती है हमारे ईयर के अंदर, ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जो इनर ईयर के अंदर जो हमारे एयर प्रेजेंट होती है उसको बैलेंस करने का काम करती है। जब ईयर की स्ट्रक्चर आएगी उसको पढ़ेंगे हम, स्टीशियन ट्यूब 4 सेंटीमीटर की प्रेजेंट होती है, नेजोफेरिंग्स में आके ओपन होती है। तो एग्जाम्पल याद रखना है, यहाँ से ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में, क्योंकि वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होती है म्यूकस को निकालने के लिए। यूट्रस के अंदर क्यों प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हम स्पर्म इजेकुलेट कर देते हैं तो उनको जो मोटिलिटी प्रदान करते हैं वो हमारी सीलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथीलियम ही वहाँ पे इस तरह का वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो ओवियम रिलीज हो जाता है, वहाँ पे आपकी जो हमारी एम्पुला, वहाँ पे जो ओवेरी से जो ओवियम रिलीज होता है और उसको एम्पुला पार्ट में डाला जाता है, तो एम्पुला से इनफंडिबुलम से एम्पुला तक आने के लिए जो वर्क करता है वहाँ पे कौन वर्क करता है, वहाँ की सीलिया प्रेजेंट होती है जो उसको वहाँ तक पहुँचाने का वर्क करती है। तो इसीलिए कहते हैं यूट्राइन ट्यूब के अंदर
ओवियम को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं आपकी सिंपल सीलिएटेड कोलुमनार एपिथीलियम। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, एंड पूछे हुए क्वेश्चन है एमएससी एंट्रेंस में, एम्स के अंदर इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा रटने वाला चैप्टर है, सो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि समझ जाओगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन इसके बाद के अंदर आता है आपका सिंपल, इसके अंदर हमने पढ़ लिया दो टाइप्स, इसको पढ़ लिया। एंड नॉन सीलिएटेड के अंदर हम पढ़ते हैं वो आता है गोल ब्लैडर। देन इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमने एपिथीलियम का एक चैप्टर कवर कर लिया है। सिंपल एपिथीलियम काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है मैंने आपको, ऑब्वियसली समझ में आएगा, इतना हार्ड है नहीं। एंड बीएससी स्टैंडर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो फोर्थ ईयर के हैं, जो कि कुछ टाइम बाद कंपटीशन के अंदर एंटर कर जाएंगे, सो वो स्टूडेंट्स भी काफ़ी हमारे यहाँ से जुड़े रहें एंड क्लासेस को अटेंड करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है। सो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन रखें, ठीक है गाइस। सो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, और अगर आपको क्लासेस से किसी भी सब्जेक्ट से कोई डाउट्स हो तो आप बेझिझक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे रखा है, एंड वो दो नंबर दे रखे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी फ़ोन पे आपका मैसेज कर सकते हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स को व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड होना हो, व्हाट्सअप पे मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सअप पे ऐड हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम वीकली टेस्ट सीरीज डालते हैं जो बिल्कुल एम्स बेस पे होती है, और उसके बाद में दो दिन बाद में उनके रेस्टोरेंट डाल दिए जाते हैं। सो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।